अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद खान। वेल, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन में जो रिफॉर्म्स आई हैं फेडरल बोर्ड के अंदर। ये वीडियो जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जो कि कंफ्यूज हैं। तो इस वीडियो में मतलब कि अगर के आप देख लेते हैं तो आपके जो ये सारा के सारे डाउट्स हैं और जितने जितने आपके मतलब के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोगों ने वो जो रिफॉर्म्स हैं जिसका नाम SLO यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये क्या बला है, यानी कि इसमें होने क्या वाला है और इसमें हम क्या देखेंगे, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा या पेपर होगा उसका जो पैटर्न है वो हमारे पास कैसे होगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, स्किप नहीं करना। अगर के स्किप किया तो फिर एग्ज़ाम में जो डिफ़िकल्टीज आएंगे उसके खुद ही तुम जिम्मेदार होगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं करता, सही हो गया। वीडियो को फुल देख लोगे तो फ़ायदा होगा, नहीं देखोगे तो अपना ही नुकसान है। सो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर के हमेशा की तरह अगर क्या मेरे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, या आप आते जाते रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं, तो एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ साथ जो घंटी का बटन है, बेल आइकन जिसे बोलते हैं, उसको प्रेस कर लें, क्योंकि आपका मेरा जो फ्यूचर में साथ है वो बंधा रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बेसिकली मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन रखा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने जो है इसका जो क्वेश्चंस की जो एक क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस की टाइप या क्वेश्चन की नेचर क्या होगी वो मैंने बताया है कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर मेरे पास जो है प्रिपरेशन के आप कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये SLO क्या चीज है या क्या बला है। तो ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने SLO पर, मतलब ये कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम ये है क्या चीज। इसको देखो समझाने के लिए मेरे पास एक आसान सा एक वर्ड है, जिसे या दो वर्ड्स हैं, एक होता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और दूसरी होती है एनालिटिकल लर्निंग आपके पास। अब आप कहेंगे सर ये मोटे मोटे अल्फाज हैं, थोड़े से आसान करके बताएं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपने एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लिया या उसको समझ गए हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, एक आसान से टॉपिक को पकड़ते हैं 9th क्लास का, जिसमें 10th क्लास के बच्चों ने भी देखा होता है, 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बच्चों ने भी तक इसको देखा ही होगा कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्वेश्चन अगर के ऐसे आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये तो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है जो कि आप हर बंदा कर सकता है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या पता इसी तरह ही आ जाए, आप लोगों की किस्मत अच्छी हो। लेकिन अब जो नया सिस्टम है उसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, इसको इसकी जो अप्रोच है मतलब कि इसको कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया जाएगा, जो कि मैं अभी आगे वाले पोर्शन में आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हमने क्या किया कि कॉन्सेप्ट बेस्ड कर दिया कि आपके जो एग्जामिनेशन है, जो आपके पेपर हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बेस होंगे। एनालिटिकल का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, उस न्यूमेरिकल में डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो पहले ये होता था कि बुक वाला न्यूमेरिकल है, बस वही छपा छपाया आपके आपको बुक में भी नजर आ रहा है और वो जो छपा छपाया न्यूमेरिकल आपको पेपर में भी नजर आ रहा है, तो वही न्यूमेरिकल उठाया और वहीं पर पेस्ट कर दिया, तो आप लोग देखते थे तो बस कहते थे कि इसका आंसर भी आपको याद है। अब क्या होगा कि उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया जाएगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, यूनिट के जो सिस्टम होते हैं CGS MKS यानी कि जो SI यूनिट और गॉजियन सिस्टम, उसके मुताबिक जो है मतलब कि आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। इस न्यूमेरिकल पर एक एडिशनल वीडियो बनाई है, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इंशाल्लाह उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर के एनालिटिकल न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं किसी टेस्ट में, किसी पेपर में, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एनालिटिकल अप्रोच को और कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को जो एक ट्रेंड है उसको फेडरल बोर्ड ने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए इस दफ़ा ये एक इकदाम किए हैं या कदम उठाया है, ठीक है, थोड़ी मुश्किल उर्दू यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा गुजारा कर लेना, सही है। तो इसको मतलब कि अब ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि SLO बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। अब जाते हैं हमारे पास के क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, जैसे मैंने थोड़ा सा बताया भी था। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड पोर्शन है उसमें हमारे पास क्वेश्चंस कौन कौन से और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ओके बच्चों, अगर कि हम अपने क्वेश्चन की टाइप्स को और उसकी नेचर को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा,
तो मैं फिजिक्स की एग्जांपल्स या देता हूँ क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं फिजिक्स से ही एक्सप्लेन करूँगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लास 9 के 10 के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम क्लासेस के बच्चों को पता ही है टॉपिक। अगर के क्वेश्चन ये आता था पहले कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप आसानी से मतलब कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट वगैरह जो मैथमेटिकल फॉर्म सारा आप लिखते थे। अब अगर के ऐसे लोग की बेस पर देखा जाए कि क्वेश्चन कैसा आएगा, तो मैं मिसाल देता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या रोल है उसमें। ठीक है, मिसाल देने के लिए मैंने आपको समझाया है। अगर के हम एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इज द एफ नेट फोर्स या नेट फोर्स इज नेसेसरी इन न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन, कि न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन में एफ नेट फोर्स क्यों जरूरी है। तो मतलब ये कि देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा वही कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ठीक है, या पूछने का तरीका अलग है। हो सकता है कि क्वेश्चन एज इट इज भी आ जाए, हो सकता है कि जो नया सिस्टम है उसके मुताबिक आ जाए, तो ये कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है। ये तो जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए तो सब्सक्राइब का कहता हूँ, कि जो हमने गेस्ट सीरीज बनाई थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं जब पेपर अपलोड भी करता था, मैं कहता था कि यार देखो गेस्ट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर पर रिलाई नहीं करना, क्योंकि ये कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि पेपर कैसा आने वाला है, अनटिल और अनलेस कि किसी ने पेपर लीक ना किया। ठीक है ना, ये आपस की बात है। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो लगा आपको कहता ना कि 100% ये पेपर आ रहा है, वो आपसे झूठ बोलते हैं। सही है, तो उन लोगों से बचा करें। लेकिन ये है कि आप लोगों ने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास कैसे आ सकते हैं। अब मेरे ख्याल से मेरी बात तुम लोग थोड़े बहुत लिंक कर गए हो कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा वो कैसा आएगा। इसी तरह फिर क्लास 10 के भी हैं, फिर फर्स्ट ईयर के भी हैं और फिर सेकेंड ईयर के भी हैं। तो मैंने बेसिक्स को पकड़ा है, यानी कि बेसिक्स सबने पढ़ी होती है। तो ये वीडियो में मतलब कि जो देख रहा है उसको आइडिया ही लेना है कि आपके पास क्या होता है। इसके बाद जो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मिलेंगे इसी वीडियो के नीचे, कि हर सब्जेक्ट को जो मैंने आउटलाइंस हैं फिजिक्स के लिए वो मैंने एक्सप्लेन की हैं, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा अगर टाइम मिला तो। वो लिंक आपको मिल जाएंगे कि आपका जो सिलेबस है वो आपके पास कवर कैसे करना है और कहाँ से करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पोर्शन में कि हमने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है, क्योंकि ये बहुत से बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था। ओके बच्चों, अब अगर कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए बात करें तो बोर्ड ने हमें यहाँ पर फैसिलिटेट किया है या हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा की है कि पहले हमारे पास एक बुक होती थी। ठीक है, अब मेरे करीब यहाँ पर एक बुक पड़ी हो तो मैं आपको दिखाऊँ, एक फेडरल बोर्ड की लेट से बुक है, कारवान टेक्स्ट बुक है। सही है, वो बुक आप उस बुक की मदद से सारी कोर्स प्रिपेयर करते थे, जाके पेपर देते थे। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने आउटलाइंस दी हैं, जैसे ए लेवल ओ लेवल्स में होता है आउटलाइंस दे देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप जिस मर्जी बुक से प्रिपेयर करें। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपकी जो अगर देखा जाए फिजिक्स की मैं बात करूँ फिलहाल, ठीक है ना, फिजिक्स में देखा जाए तो चार बुक्स दी हुई है नाइन्थ क्लास के लिए, चार डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें केपी बोर्ड भी है, बलोचिस्तान की बुक भी है, नेशनल बुक फाउंडेशन भी है, पंजाब टेक्स्ट बुक भी है, कारवान की भी है, तो पांच हो गई हैं। ठीक है, चार पांच बुक्स हैं। तो बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि सर क्या पांचों बुक की हमें याद करनी पड़ेंगी, यानी कि वो याद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे बड़े वो क्यूरियसिटी से पूछते हैं या क्यूरियस होकर पूछते हैं कि सर क्या पांचों बुकें याद करनी पड़ेंगी। तो भाई ऐसा नहीं है सर, समझो इसको, आपको टॉपिक दे दिया है, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पकड़ेंगे, ठीक है, न्यूटन अंकल को कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने दे दिया है और आपने उसको कहीं से भी प्रिपेयर करना है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको यही प्रेफर करता हूँ कि जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है बुक, या फिर आपको कोई पढ़ाता है, मैं अगर कि अपनी बात करता हूँ, मैंने क्रैश कोर्स की जो बात की थी, मैं क्रैश कोर्स में पूरा जो सिलेबस कवर करूंगा तो उसमें हर लिहाज से बुक को कवर करूंगा। लेकिन देखो पता है क्या है कि आपके टॉपिक की, हर टॉपिक की एक डेप्थ होती है कि आपने कितना कवर करना है, ये आपके टीचर को पता होता है। सही है, अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपकी कारवान टेक्स्ट बुक से मुकम्मल कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बोर्ड वालों ने कहा है कि आप किसी भी बुक से मतलब कि प्रिपेयर कर सकते हैं, आपका पेपर जो है वो कॉन्सेप्ट बेस आएगा तो आपने आंसर कर देना। ठीक है, आपका जो आंसर है वो सही कंसिडर होगा, ऐसा नहीं होगा कि कारवान टेक्स्ट बुक के अल्फाज नहीं लिखे आपने तो ये कोई गुनाह हो गया और आपके मतलब कि आपने केपी बोर्ड के अल्फाज लिखने तो गलत हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच मैटर करती है, दैट्स द मेन पॉइंट कि आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक हो गया ना, तो ये सारी बातें जो हैं ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछा था। इंस्टाग्राम पर फॉलो हो गया तो भाई फॉलो कर लो ना, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मेरा फ्रैंक बिहेवियर है तो मैं देख कर नहीं लग रहा यार मुझे, ठीक है, ऐसे टीचर तुम्हें कहाँ से मतलब किस तरह का मिलेगा, तारीफ नहीं कर रहा। हाँ ना भाई, ये ना सर तो खुद ही तारीफ कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, जाके फॉलो कर लो। इनफैक्ट के रिस्पॉन्ड कर देता हूँ मैसेजेस के, ये गैस सीरीज वाले जो बच्चे इनको पता होगा, ठीक है। और क्रैश कोर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे तफसील से, जो 40-45 डेज का 9-10 का क्रैश कोर्स है उसके लिए जो इनरोलमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट सुनते रहें क्योंकि पिछली वीडियो में बच्चों ने डीएम्स किए थे, इंस्टाग्राम पर कमेंट्स भी कुछ किए थे। तो यही बात है कि क्रैश कोर्स में अगर आपने इनरोल होना है 9-10 के, तो मैं 15 जनवरी को अपडेट्स दे दूंगा, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट पर और चैनल पर भी। लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट पर काफ़ी डिटेल से देता हूँ तो काफ़ी आप वहाँ पर आपको अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। आप पाकिस्तान में कहीं से हैं इट डजेंट मैटर, इफ़ यू आर ओवरसीज आप वो भी मैटर नहीं करता। आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है 9 और 10 का, जब मैं 10 का बैच कराऊंगा तो उसमें कंप्लीट डिटेल से समझा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ई शीट पर असेसमेंट्स होंगी वीकली और 3 गेस्ट पेपर होंगे एट द एंड ऑफ आवर कोर्स के आपको पता चल सके, और साथ साथ जो इवेल्यूएशन है मेरी इवेल्यूएशन जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी कि बोर्ड के पेपर में कैसे स्कोर करना है। पिछले साल ही बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स आए थे तो आपके भी आ जाएंगे, कोई इतनी बड़ा मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं है, ऐसे लो आ जाए या कोई सिस्टम हो आपका सिलेबस कवर हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने SLO को शुरू से पकड़ा, इंट्रोडक्शन से देखा और उसके बाद उसकी जो वो है क्या नाम है नेचर और टाइप्स क्वेश्चंस की मैंने खुद मतलब के समझाने की कोशिश करने के लिए एक एग्जांपल्स दी, और उसके बाद हमने प्रिपरेशन का हमने वो समझा कि हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी या जो इसमें नॉलेज दी गई है ये समझ गए होंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट के आउटलाइंस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत से बच्चों की बल्कि सब बच्चों की कंफ्यूजन है, 95% बच्चों की टॉपर्स की तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा ले सके। और साथ साथ जो है ये याद रखें कि SLO सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको मतलब कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है कि रट्टे वाला सिस्टम ख़त्म करके आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सिस्टम है उसको मतलब कि प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो चलें मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।